जानते हैं इस वीडियो में मोल्डेड सिस्टम क्या होता है। ए टिपिकल मोल्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डिलीवरी सिस्टम एंड द मोल्डेड पार्ट्स एज शोन इन फिगर। देखो चित्र में देखेंगे, इस फिगर में दिखाया गया है कि क्या है। ये सबसे पहले देखेंगे, ये स्प्रू है हमारा, ठीक है। स्प्रू से ये दो रास्ते कटी हुई है, इन्हें बोलते हैं मेन रनर। चार केविटी वाला मोल्ड है ये मेन रनर। इससे आगे बढ़ेंगे, जो इससे आगे बढ़ने के बाद में तो ध्यान देंगे, देखेंगे ये हमारा स्प्रू हुआ। स्प्रू से यहाँ से मटेरियल जब बैल से इंजेक्ट होगा, होने के बाद में ये कोल्ड स्लग वाल्व बोलते हैं। जैसे कोल्ड स्लग वाल्व ये क्यों देते हैं, जैसे हमारा मशीन से जो इंजेक्शन होगा मटेरियल, तो वो आगे सबसे आगे मटेरियल होगा वो यहाँ तक कुछ आने में ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा तो डायरेक्ट ठंडा मटेरियल डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर रुक जाएगा। और जो पीछे वाला जो हीट मटेरियल है बहुत अच्छा, तो यहाँ से रनरोम चला जाएगा। यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो कुछ ठंडा होगा तो यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग का, और बाकी फिर ये अंदर से अंदर ही चला जाएगा। यहाँ से गेट मिलेगा, गेट से तुरंत कैविटी में एंट्री हो जाएगा। तो ये स्प्रू हुआ हमारा, ये आपका कोल्ड स्लो वाल्व हुआ, और ये भी कोल्ड स्लो वाल्व हुआ ये, ठीक है। और ये हमारा ब्रांच रनर की, ये रनर की ब्रांच शाखा हुई, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, और ये हमारा मेन रनर हुआ, ये हमारा यहाँ ये गेट पॉइंट हुआ, गेट पॉइंट, ठीक है। गेट पॉइंट सुना हो आपने कि छोटा क्यों रखते हैं, नैरो क्यों रखते हैं, तो गेट पॉइंट नैरो इसलिए रखते हैं कि जैसे मटेरियल प्रेशर से इंजेक्ट होगा तो दबाव कम होगा तो प्रेशर लगेगा, उस दबाव के कारण फ्रैक्शन के कारण यहाँ से मटेरियल हीट जनरेट करता है, तो मैं हीट जनरेट करेगा और तो अच्छे से जाम नहीं होगा, अच्छे से कैविटी में फिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए छोटा गेट रखते हैं, तो मटेरियल जब यहाँ से आएगा तो छोटे यहाँ होके जब प्रेस लगेगा वो छोटे से में दबाव डाले के साथ में निकलेगा अंदर, तो हीट उत्पन्न करेगा कुछ, ठीक है, इसलिए छोटा रखते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि पीस हमारा यहाँ जो गेट से इसलिए छोटा रखते हैं, आसानी से टूट जाए या कटर, या छोटा रखते हैं इसलिए, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, बड़ा थिकनेस उसकी कम से कम रही रखते हैं। तो थैंक यू, ठीक है। इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा मोल्डेड सिस्टम क्या है हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।